जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी, आज है अष्टमी और आज सुबह सुबह ना, सबसे पहले जब मैं उठी थी ना, तो किचन में आई, पानी वगैरह पिया और सबसे पहले रख दिए थे काले चने बॉयल होने। फिर मैंने साफ़ सफाई कर कर नहा धो लिया था और आज पहनते हैं पिंक कलर। ऐसा मैंने वीडियोस में ही देखा था, तो आज मेरे पास पिंक कलर का सूट था तो बस वही मैंने वेयर कर लिया है। यहाँ पर बस आज हेयर वॉश करे थे, उनको सुखा लिया, रेडी हो गई हूँ। बिंदी लिपस्टिक और आज एक एक्स्ट्रा मेकअप किया है जो कि है काजल लगाना। पहले जब मैं अनमेरिड थी ना, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा भी बहुत लगता था। अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और कुछ आई सेड वीक भी हो गई है, तो कभी कभी लगाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और हॉट मजेंटा पिंक कलर का मैंने यहाँ पर सूट पहना है। चलिए अब चलते हैं बाहर, करते हैं पूजा पाठ। चलिए, और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा। और आज नौमी है, यानी कि आज कल थी अष्टमी, तो ये कल का व्लॉग है। और तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मैंने व्लॉग एडिट नहीं करा था। चलिए, यहाँ पे पीयूर यांश की नानी के घर से कंजक आ गई थी, तो वो मैंने रख दी है। और यहाँ पे पता नहीं मैं किस बात के लिए मुंह बना रही थी, याद ही नहीं आ रहा है। मुंह बनाना तो हमारा अधिकार है। चलिए, कंजक मैंने रख दी है और मैंने तैयारी शुरू कर दी है अपना हलवा प्रसाद, यानी कि अष्टमी के भोग प्रसाद की तैयारी। तो सबसे पहले ना मैं चने बनाऊंगी, और चने बनाने के लिए मैंने लिया है देसी घी, उसमें डालकर। और मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा। मैं ना जो काले चने होते हैं थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ, आप शेयर करती हूँ आपके साथ। कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे मसालेदानी में, तो वो फिल करके रख दिए हैं। कटोरी में मैंने लिया है हरा सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इसलिए करा है पानी ऐड ताकि मसाले जले नहीं। अगर आप ऐसे ड्राई मसाले डालते हो ना, तो एकदम ऑयल में जाके मसाले जल जाते हैं और काले हो जाते हैं। तो आप पानी के साथ मिक्स करेंगे ना, कभी भी मसाले जलेंगे नहीं। बहुत ही कम पानी मिक्स किया था मैंने। उसके बाद मैंने इसमें ना काली मिर्च का पाउडर डाला था और काला नमक भी डाला था। बनकर बस तैयार हो गए थे मेरे काले चने। और हाँ, ज़रूर आप ना काले चने का जो पानी होता है वो भी ज़रूर जा रहे। उसके बाद ना इसको मंदी मंदी गैस पर पकने दे, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब तैयारी कर ली थी हलवा बनाने की। तो हलवा बनाने का मेज़रमेंट मेरा है कि जिस कटोरी से मैं सूजी लेती हूँ ना, उतना ही मैंने घी लिया था, उतनी ही चीनी और 3 से 4 गुना पानी। अगर आपको 3 गुना पानी कम लगता है, तो आप 4 गुना पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरी सूजी भुन गई थी, उसके साथ ही मैंने काजू बादाम ऐड कर दिए थे, इलायची का पाउडर डाल दिया था, और इस कटोरी से ही मेजरमेंट लिया था मैंने। तो बस इस कटोरी को मिक्स करते करते मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी लिया था, तो 6 डालना था, तो मैंने 5 ही कटोरी डाली थी। वैसे 6 भी डलता तो पूरा पड़ जाता, तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको मिलाना है। मैंने गर्म पानी लिया था, उसके बाद इसमें नारियल डाल दिया था। हलवे की इतना स्वाद बना था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसकी जो बनाने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। और इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे ना, कभी भी बेकार नहीं बनेगा, हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो आप लोग बताना अगर आप लोगों को कोई तरीका पता है, या मेरा तरीका आपको अच्छा लगा, ये भी ज़रूर बताना। और अपनी मनपसंद के आप काजू, किशमिश, बादाम कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे हलवा, चने और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, तो ये सब तैयारी करके रख दी थी। उसके बाद चलते हैं मंदिर लगाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे ना, दोनों तो बातें कर रही हैं, बुक्स पढ़ रही है, और यहाँ पर रियांश अपना खेल रहा है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ना भागा दौड़ी हो जाती है, तो मैंने डिसाइड किया ना, आज हम आराम से पूजा करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर पीयू के पापा ले आए थे फूल माला, और बच्चों के लिए टिफ़िन भी लेकर आ गए थे। फिर मैंने अपनी पूजा करना स्टार्ट की। रोज़ ही जो मैं तिलक लगाती हूँ ना, उसको अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर दोबारा माता रानी को तिलक लगाती हूँ। तो मतलब साफ़ सफ़ाई कर ली थी मैंने अपने मंदिर की। मैं माला चढ़ाने लगी ना माता रानी को, तो ये माला ना मैं इस तरीके से लंबी कर देती हूँ, कलावा लगा देती हूँ। उसकी कलावा लगाने से ना माता रानी की जो माला है
वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, सेट करनी पड़ती है। ये ऊपर वाली माता रानी है, इनको भी फूल माला अर्पण कर दी है और थोड़े से फूल भी मैंने माता रानी के मंदिर में चढ़ा दिए थे। मतलब फूलों से सजा हुआ मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे भगवान जी के आसपास फूल अर्पण कर रही हूँ, नारियल के आसपास और गणपति जी के आसपास। प्यारे लड्डू, बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू माता रानी के पास, और जो माता रानी का दिया जलाने वाली प्लेट है ना, उसके आसपास हर जगह मैंने फूल से अर्पण कर दिया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि ना अभी पूजा अभी थोड़ी देर में करते हैं, इतने ना मैं पूरियां बना के रख लेती हूँ जो कि मुझे छोटी छोटी कंजकाओं को देनी है। तो बस यहाँ पे मैंने लोइयाँ तोड़ ली थी आटे की और फिर फटाफट पहले पूरियाँ बेल के रख दी थी। वैसे तो पीयू के पापा मेरे साथ करा देते हैं हेल्प अभी, लेकिन वो मैंने उनको कुछ और काम बता रखा है, तो वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ मैंने सेकनी स्टार्ट कर दी थी। ये तरीका मुझे सही लगता है। मैंने जितनी बच्चों की पूरियाँ बनानी थी ना, तो अभी मैंने 20 ही पूरियाँ बनाई थी, तो मैंने क्या करा ना, 10 नहीं 20 नहीं, ज़्यादा बनाई थी मैंने। नहीं, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कितनी बनाई थी। फिर पीयू के पापा आ गए थे टिफ़िन लेकर, और ये जो पूरियाँ हैं ना, इस पे मैं हलवा चने प्रसाद वगैरह रखूँगी। और आज एक बहुत बड़ी मतलब भूल थोड़ी सी हो ही जाती है, देखो काम करते रहते हैं ना, भुलैका सा हो गया था, भूल हो गई थी, तो नारियल छीलना मैं भूल गई थी आज। मतलब पीयू के पापा छीलते हैं, हम लोग भूल गए थे। जब हमने पूजा वगैरह कर ली ना, तब देखा ओ आज तो नारियल छीला ही नहीं। तो बस उसके माता रानी मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा वहम सा हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर हमने ना छील लिया था उसके बाद नारियल। यहाँ पे पीयू के पापा अब करेंगे पूजा, तो आप लोग बताना कि मेरे को इतना वहम हो गया था ना, तो मेरे को टेंशन हो गई थी, और पता है मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं रहा, पीयू के पापा को भी याद नहीं रहा, मतलब बिल्कुल याद ही नहीं रहा। चलिए छोड़िए, अब माता रानी सब सही रखेगी, अब हम करेंगे पूजा। आइए आप लोग भी कर लीजिए पूजा, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आपके साथ डेली व्लॉग्स शेयर करूं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। चलिए आइए पूजा कर लेते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। वे गौरी मांग सिंदूर विराजत की को मृद मधुको मैया टी को मृद मैं अम्बे गौरी केहरी रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल मम जय अम्बे गौरी मैया मधु के टव दौ मारे सुर बैन करे ओम जय अम्बे गौरी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। छोटी छोटी कंजका आई है हमारे घर, कितने इकट्ठे करें? 60 70 80 को दे दो ना, फोन तो मुझे रखना भी नहीं।
यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा पाठ और यहाँ पे प्यारे प्यारे कंजके कह रही हैं कि मुझे ये कलर चाहिए और मुझे ये कलर, तो सभी की पसंद का कलर मैंने दे दिया था और सभी को प्रसाद चखने के लिए भी मैंने बोला था, तो थोड़ा थोड़ा चख भी लिया था। अभी बच्चे ना आगे जयकारा लगाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना, थोड़ा सा और रह गया है व्लॉग। सबका बेड़ा पार लगाने वाली माता तेरी सदा ही जय। यहाँ जाकर तुझे टिफिन चाहिए, तुझे यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि मम्मी टिफिन के पैसे नहीं लाएंगे। मेरा पूरी वीडियो में ब्लू आ जा, मेरे उर्वी तो बड़ा बैग लेके चली है, दिखाओ उर्वी बैग, आओ कपड़े आओ, एक पलक का रख दियो। ये है रियांश की बोट की, ओए होए बोट की, सुनो बताओ रियांश के लिए लाए कंजक में, रियांश को मिली इस बार कंजक ये वाली गाइस, नहीं पीयू के पास तो है ना, दिखाओ। ओह वाओ बहुत ही ज्यादा सुंदर, ओ इसको यार इसको वो कितना प्यारा है, बट ये रियांश मेरी और आपकी दोनों की है। बढ़िया तो ये भी है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो इसको ये भी तो बता दो मेरी भी है। ये पहन के देखियो रियांश, वैसे ये है तो मेरी ही, रियांश की बहुत इच्छा थी ना तो उसके लिए लाए हैं। हटते जा यार, खेल रहा हूं ले इसे, खेल रहा हूं तो पहले खेल रहा हूं, दिखाना ऑन कर दिए, चार्जिंग पे लगेगी। ओहो पहले ये चार्जिंग पे लगेगी, तो इसको ये हटाना पड़ेगा, हटाएगी नहीं क्या बोट। लो पीयू इसका इसी तरीके से चार्जर है बस,